व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या पाकिस्तानी केआरएल रॉकेट लॉन्चर भारतीय पिनाका पर भारी पड़ेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, स्टडी चैनल पर वीडियोस है और वहां पर आप ऐसे मिलिट्री रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कंपैरिजन भी होता है वहां पर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, 1 2 3 गो। दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान भारत को लगातार कश्मीर के इशू पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार परेशान कर रहे हैं और इन्हें जवाब देने के लिए भारत लगातार इनकी हर एक चाल पर काउंटर अटैक भी कर रहा है। तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत इसके विरोधी और पड़ोसी देशों ग्रीस और साइप्रस के साथ डिफेंस रिलेशंस डेवलप करते हुए तुर्की को घेरने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान को बॉर्डर पर अपनी पावर दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पटखनी दे रहा है, तो वहीं अज़रबैजान को काउंटर करने के लिए उसके दुश्मन देश आर्मेनिया को हथियारों की बम्पर सप्लाई करते हुए भारत तगड़ा जवाब दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है। इन्होंने भारत और आर्मेनिया की डिफेंस डील्स को काउंटर करने के लिए अब तुर्की के साथ साथ खुद भी आर्मेनिया के खिलाफ अज़रबैजान को अपने हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है और अब आर्मेनिया और अज़रबैजान की जंग में भारत और पाकिस्तान के हथियार एक दूसरे के सामने तैनात हो चुके हैं। जहाँ एक तरफ आर्मेनिया के पास है भारतीय पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, तो वहीं अज़रबैजान के पास है पाकिस्तान का KRL 122 गजब रॉकेट लॉन्चर। भारत और पाकिस्तान दोनों ही लंबे समय से ही सोवियत मेड BM-21 ग्राड रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ऐसे में भारत जहां पिनाका के माध्यम से अपने BM-21 ग्राड रॉकेट लॉन्चर्स की सभी यूनिट्स को रिप्लेस करने वाला है, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने BM-21 ग्राड लॉन्चर्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए अपना खुद का अपडेटेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम KRL गजब तैयार कर लिया है और अब पाकिस्तान के अलावा अज़रबैजान के पास भी इनका यह सिस्टम पहुंच चुका है, जिसके माध्यम से अभी रिसेंटली ही अज़रबैजान ने एक बार फिर आर्मेनियन कंट्रोल्ड नगोर्नो कारबाख रीजन की तरफ फायरिंग को भी अंजाम दिया है। ऐसे में आगे यदि आर्मेनिया भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते हुए अज़रबैजान की तरफ फायरिंग करता है तो नगोर्नो कारबाख बेसिकली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच अपने अपने हथियारों की तकनीक और डिस्ट्रक्शन पावर के मुकाबले का गढ़ बन जाएगा। आपको बता दें कि इस समय आर्मेनिया के पास भारत के DRDO द्वारा मेड पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स की 4 बैटरीज में कुल 24 रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, जिसके एक एक लॉन्चर में कुल 12 पिनाका रॉकेट्स होते हैं और आगे आर्मेनिया इसकी 6 और बैटरीज खरीदने वाला है और ये एक शूट एंड स्कूट सिस्टम है, यानी इससे रॉकेट्स फायर करने के बाद यह अपने ट्रक के माध्यम से तुरंत ही अपनी लोकेशन बदल सकता है। और क्योंकि अज़रबैजान के पास तुर्किश और इजरायली ड्रोन्स मौजूद हैं, जो कि लगातार आर्मेनिया के हथियारों की लोकेशंस को निशाना बनाते रहते हैं, ऐसे में आर्मेनिया के लिए पिनाका की यह काबिलियत काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके मुकाबले पाकिस्तान ने भी KRL 122 में काफी कुछ नए अपग्रेड्स किए हैं, जिसे एक टाउड आर्टिलरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वहीं इसे दूर से भी ऑपरेट करने की क्षमता प्रोवाइड की गई है और यह भी एक शूट एंड स्कूट एबिलिटी से लेस है। पाकिस्तान इसके लिए यारमूक रॉकेट्स का प्रोडक्शन भी अब खुद ही करने लगा है, जिसकी लंबाई व वेट को कम करते हुए इन्होंने इसकी रेंज को काफी कुछ बढ़ा दिया है। इसे वीडियो में हम भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और पाकिस्तान के KRL 122 गजब रॉकेट लॉन्चर के बीच इनके कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से किस देश के साथ लगी भारतीय बॉर्डर को LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। DRDO ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर की काफी सारे वेरियंट्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन हम यहां पर आर्मेनिया को मिलने वाले पिनाका मार्क 1 सिस्टम के फीचर्स के आधार पर ही कंपैरिजन करेंगे। पिनाका मार्क 1 को ऑपरेट करने के लिए 5 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। KRL गजब, जो कि BM-21 ग्राड के सिस्टम पर बेस्ड है, जिसे ऑपरेट करने के लिए 6 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहीं इसे ऑपरेट करने के लिए 3 से 5 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। पिनाका मार्क 1 की यूनिट प्राइस आर्मेनियन ऑर्डर के अकॉर्डिंग 3 मिलियन पर लॉन्चर के हिसाब से आकी जा रही है। KRL गजब की यूनिट प्राइस
पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। पिनाका मार्क 1999 से ही इंडियन मिलिट्री के साथ सर्विस में है, जिसने कारगिल वॉर में अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। केआरएल गजब 1990 से ही बनकर तैयार हो चुका था। पिनाका की 300 से भी ज्यादा यूनिट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। केआरएल गजब की कितनी यूनिट्स बनकर तैयार हुई हैं इसके बारे में डेटा अभी अवेलेबल नहीं। इसके बाद कंपैरिजन करते हैं इनके महत्वपूर्ण डायमेंशंस एंड कैपेसिटी के बीच। पिनाका मार्क 1 के रॉकेट की लंबाई 4.8 मीटर है और ये 122 mm और 214 mm कैलिबर के साथ आता है। इसके मुकाबले केआरएल गजब के यारमूक रॉकेट की लंबाई 2.9 मीटर तक है और ये 122 mm कैलिबर के साथ आता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के एक लॉन्चर में करीबन 12 रॉकेट बैरल ट्यूब्स होते हैं, तो वहीं केआरएल गजब में 30 रॉकेट बैरल ट्यूब्स बताए जाते हैं। इसके ओरिजिनल वर्जन BM-21 में 40 बैरल ट्यूब्स होते हैं। पिनाका रॉकेट के मार्क 1 वेरिएंट का वेट 275 किलोग्राम तक होता है, जिसमें 100 केजी का तो वारहेड ही होता है। वहीं केआरएल गजब के रॉकेट का वेट 66 केजी तक बताया जाता है, जिसमें 18 से 19 केजी तक का वारहेड होता है। पिनाका रॉकेट्स के नए वेरिएंट्स रैमजेट बूस्टर के साथ आने वाले हैं, जिससे इनकी रेंज में इजाफा हो जाएगा, साथ ही इनकी एक्सप्लोसिव पावर को भी इंक्रीज किया जा रहा है। इसके बाद देखें दोनों ही रॉकेट सिस्टम्स की परफॉर्मेंस के बीच कंपैरिजन, तो पिनाका मार्क 1 के रॉकेट्स की फायरिंग रेंज 37 से 60 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। केआरएल गजब के रॉकेट की फायरिंग रेंज कम से कम 20 से लेकर पाकिस्तान दावा करता है कि ये 40 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो पिनाका मार्क 1 0.6 सेकंड्स लेता है एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, तो वहीं केआरएल गजब 0.5 सेकंड्स पर रॉकेट लॉन्च की दर से फायर कर सकता है। पिनाका मार्क 1 साल्वो में टोटल 72 रॉकेट्स को 44 सेकंड्स में फायर कर सकता है, तो वहीं केआरएल गजब अपने सभी 30 रॉकेट्स को 15 सेकंड्स में ही दाग सकता है। पिनाका मार्क 1 को दोबारा रीलोड करने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है, तो वहीं केआरएल गजब को दोबारा रीलोड करने में 7 मिनट्स का टाइम लग जाता है। ट्रेवर्स की बात करें तो पिनाका मार्क 1 90 डिग्री साइडवेज और 55 डिग्री एलिवेशन का एंगल प्राप्त कर सकता है, तो वहीं केआरएल गजब 180 डिग्री साइडवेज एंड 55 डिग्री एलिवेशन एंगल प्राप्त कर सकता है। पिनाका के रॉकेट्स के इंपैक्ट एरिया यानी कितने एरिया में ये डिस्ट्रक्शन कर सकता है इसकी बात करें तो ये करीबन 700 बाय 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपने 12 रॉकेट्स के दम पर डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वहीं केआरएल गजब अपने सभी 30 रॉकेट्स के दम पर 600 बाय 600 वर्ग किलोमीटर के एरिया में तबाही मचा सकता है। इसके बाद दोनों ही सिस्टम्स की मोबिलिटी की बात करें तो पिनाका मार्क 1 को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की 8x8 व्हील्स टेट्रा ट्रक पर माउंट किया गया है, जिसमें मल्टीफ्यूल्ड टर्बोचार्ज्ड V8 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीबन 800 किलोमीटर तक है, साथ ही ये मैक्सिमम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रन कर सकता है। तो वहीं केआरएल गजब को अमेरिकन रियो M35 6x6 व्हील्ड ट्रक पर माउंट किया जाता है, जिसमें डीजल इंजन V8 180 हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी भी ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर तक है और इसकी मैक्सिमम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आर्मेनिया के पास मौजूद भारतीय पिनाका मार्क 1 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का, अज़रबैजान के पास मौजूद पाकिस्तानी मेड केआरएल 122 गजब रॉकेट लॉन्च सिस्टम से मुकाबला। ये कंपैरिजन था, उन्होंने अपडेट भी करा है, लेकिन फिर भी पिनाका कहीं ना कहीं एक तो रीलोड टाइम बहुत मैटर करता है। हाँ। फायरिंग तो ऑलमोस्ट 0.6-0.5 का ही था, तो पिनाका अलग ही स्टैंड आउट करता है उसके मुकाबले। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ के अंदर वो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, लेकिन एंड ऑफ द डे ऑपरेट किस तरीके से करा जाता है, सिचुएशन क्या होती है, बहुत चीज़ मैटर करती है। लेकिन पिनाका का दमखम है और बहुत ही बढ़ चढ़ कर खरीदा भी गया है, और ये चीज़ है कि इंडिया डिफेंस में इसलिए अच्छा और कर रहा है क्योंकि सिर्फ इंपोर्ट नहीं, अब एक्सपोर्ट भी करने लग गया, उससे रेवेन्यू का फायदा भी होता है एक देश को। ये चीज़ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप अगर इंपोर्ट करते रहोगे तो आपका पैसा बाहर जा रहा है, आप कमा नहीं रहे। प्रॉफिट तब कमाओगे जैसे अमेरिका, बड़े बड़े कंट्रीज, रशिया, ये कैसे कमाते हैं, चाइना, ये हथियारों को बेच के कमाते हैं।
तो अब इंडिया भी उसी रास्ते पर चल चुका है और बहुत बड़े तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहा है कि जिस तरीके से और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी, टॉप नॉच क्वालिटी के आप मिलिट्री इक्विपमेंट्स बना सके। अपना पॉइंट भी शेयर करना बोले। बाय बाय, टेक केयर।